क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करें कि अपनी जान बचाएं। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU में लड़कियों के कॉलेज दौलत राम में आजकल छात्राएं इसी टेंशन में हैं। इस कॉलेज में क्लासरूम में छत का एक हिस्सा गिरने से 5 लड़कियां घायल हो गई हैं और इसके बाद अब ये छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जिन छात्राओं को अपने क्लासेस में होना चाहिए था वो कैंपस में नारे लगा रही हैं, सभा कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और इसकी वजह है ये तस्वीरें। क्लासेस में सीलिंग का प्लास्टर उखड़कर गिर चुका है, पूरी छत के सरिये दिख रहे हैं, सीमेंट झड़ चुका है, गलियारे का ये ऊपरी हिस्सा कभी भी गिर सकता है। घटिया निर्माण की ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, देश के नामी दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़कियों के सबसे जाने माने दौलत राम कॉलेज की है। विश्वविख्यात दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की क्लास में हम आपको लेकर आए हैं। आपको दिखाते हैं क्लास किस तरीके से यहाँ पर है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी खतरे में जो क्लास यहाँ, और ये रेगुलर क्लास है, आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब क्लासेस नहीं होती, यहाँ पर क्लासेस होती हैं, हर रोज़ होती हैं। और इस तरीके के हालात कुछ बने हुए हैं, सीलिंग से कभी भी जो हिस्सा है वो गिर जाता है, और फ़ैन के बिल्कुल पास से आप देख सकते हैं, कभी ये भी हो सकता है कि ये फ़ैन भी स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाए। घटिया निर्माण सामग्री का यह नमूना कॉलेज की लगभग हर क्लास के अंदर है, और क्लास ही क्या, जरा इस गलियारे पर नजर दौड़ाइए। इस पर लगा सीमेंट किस कदर उखड़कर गिर चुका है, जगह जगह सरिया दिख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे अब गिरा तब गिरा, पूरी इमारत टूटी फूटी हालत में पहुंच चुकी है। बाहर की तरफ आए तो आपको दिखाएंगे कि ये जो लॉबी है जहाँ पर छात्र अक्सर जाते हैं, ये जो गैलरी एरिया होता है उसकी हालत आप यहाँ पर देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सरिये तक बाहर निकले हुए हैं, सारा जो सीमेंट है वो झड़ चुका है ऊपर अगर आप देखेंगे। और ऐसे में बहुत खतरनाक ये हो सकता है क्योंकि अक्सर जो कॉलेज के छात्र छात्राएँ होते हैं वो दूसरी क्लास में जाने को या कहीं भी पैसेज पास करने को यहीं कहीं खड़े होते हैं। इसी बदहाली के खिलाफ कॉलेज की छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। उनका ध्यान क्लासेस में पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर रहता है कि कहीं उनके सिर के ऊपर सीलिंग पर लगा सीमेंट उखाड़ कर न गिर पड़े। बहुत बार हो चुका है ये, हमने एप्लीकेशंस भी दिए, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, स्ट्राइक भी की थी हम लोगों ने। बाहर से किसी भी बंदे से बोलो तो वो बोलता है कौन से कॉलेज में हो, दौलत राम, वाओ, हम सोचते हैं ये है वाओ कॉलेज। स्ट्राइक हम लोगों ने करा, फिर अब सब चीज़ दब गई है और हमारी फीस हर ईयर बढ़ती है, हर डबल होती है। कॉलेज हमने देखा था नॉर्थ कैंपस का, बहुत ही रेपुटेड गर्ल्स कॉलेज है, आके इसका हालात देखे तो पता चला कि इसके कॉरिडोर्स के क्या हाल है, कभी भी गिर सकता है। ऐसी टूटी फूटी क्लासेस में पढ़ाई करना जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन छात्राओं की सुनवाई किसी भी अथॉरिटी में नहीं है।